सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो इसके पहले वाले वीडियो में फ्रेंड्स हमने मापन के बारे में बात की थी। अगर वो पिछला वीडियो आपने हमारा नहीं देखा है तो साइड में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं, और उसको देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उसी से रिलेटेड ये हमारा आज का टॉपिक है, यानी कि मूल्यांकन। तो मूल्यांकन को एक भाषाई आधार या कह सकते हैं डेफिनेशन के जरिए समझने से पहले एक जनरल जरिए में जो है समझते हैं कि आखिर मूल्यांकन होता क्या है। तो मूल्यांकन की अगर बात करें तो जो हमने अभी मापन में पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में, तो हमने ये कहा था कि जो पूर्व जो नियोजित या पहले से जो निश्चित नियम होते हैं उनके आधार पर जब हम कोई माप करते हैं या जो माप हम करते हैं उनको कोई एक अंक प्रदान करते हैं तो वही हमारा मापन होता है। पर अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन में ऐसा नहीं होता है। अब मूल्यांकन को हम आपको एक एग्जांपल के जरिए जो है समझाते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर जो है वो समझ में आ जाएगा। अगर आप सोच के देखिए कि हम आपको दो नंबर दे रहे हैं, जैसे कि एक बच्चे को जो है वो 100 में से 10 नंबर मिले हैं और एक बच्चे को जो है वो 100 में से 60 नंबर मिले हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों जो बच्चे हैं इन दोनों के नंबरों के आधार पर आप बताइए कि इन दोनों में से जो है वो अच्छा कौन है। तो आप सोच सकते हैं या ये कह सकते हैं कि जो 100 में 60 नंबर पाया है ये अच्छा होगा, और ये भी कह सकते हैं कि 100 में जो 10 नंबर पाया है वो अच्छा नहीं होगा। हमने उसके ये नंबरों के आधार पर जाना। पर अगर आप इस चीज़ की थोड़ा सा व्याख्या करें, मतलब अगर हमने अभी तक आपको केवल नंबर ही बताए हैं पर हमने अभी इन नंबरों की जो है वो व्याख्या नहीं की है, तो हम अगर इस नंबर की व्याख्या करें तो हम आपको ये बताएं कि ये 100 में जो 60 नंबर वाला बच्चा है ये केवल अकेला ऐसा बच्चा है जिसके 60 नंबर हैं और बाकी बच्चों के जो है वो 80 नंबर से ऊपर हैं या बहुत लोगों के 90 के ऊपर नंबर हैं, तब आप क्या कहेंगे। और हम जब दूसरे वाले बच्चे जो 100 में 10 नंबर पाया है उसकी हम व्याख्या करें तब हम बताएं आपसे कि ये जो 100 में 10 नंबर पाया है ये अकेला ऐसा बच्चा है जो 10 नंबर पाया है, बाकी जो बच्चे हैं वो केवल 5, 6, 4, 2, या 0 नंबर पाए हैं, तब आप क्या कहेंगे। तब आप कहेंगे कि जो हमने पहले बताया था कि ये वाला बच्चा अच्छा है, तब हम कह देंगे ये बच्चा बेकार है, और जो पहले ये जो हमने 100 में 10 वाला बताया था बच्चा बेकार है वो आप कहेंगे अच्छा है, क्योंकि हमने जाना कि उसके जो नंबर हैं वो हमारी जो व्याख्या करने के बाद जो है हमने जाने कि उसके नंबर जो है और लोगों की अपेक्षा जो है वो बहुत अच्छे हैं। तो अच्छे आने का रीज़न कुछ भी हो सकता है कि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस हुआ हो या तो पेपर बहुत टफ हो, तो कोई भी कारण हो सकता है। तो इस आधार पर हमने यहाँ पर यह समझा कि हम केवल अंकों के आधार पर ही जो है किसी भी चीज़ का मापन नहीं कर सकते। उसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करने के लिए हमें मूल्यांकन की ज़रूरत होती है। तो हमने जो अभी आपको व्याख्या की इस चीज़ को और ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए, समझाने के लिए, यही हमारा मूल्यांकन होता है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सी भाषा में मूल्यांकन एग्जाम्पल के जरिए। अब थोड़ा सा इसको डेफिनेशन के जरिए जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो मूल्यांकन की ये डेफिनेशन है कि मूल्यांकन जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। जैसे कि हमने आपको अनौपचारिक, निरौपचारिक और औपचारिक शिक्षा में भी एक शिक्षा का प्रकार एक ऐसा बताया था जिसमें कहा था कि वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, वो हमारी शिक्षा थी अनौपचारिक। मतलब उसमें कोई एक बाधा नहीं होती, कोई कक्षा की बाधा नहीं होती, कोई एक माहौल ऐसा नहीं होता है कि आपको उसी सीमा के भीतर रह कर पढ़ना है। तो उस प्रकार की शिक्षा भी होती है जो कह सकते हैं सतत चलने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है उसमें कुछ ना कुछ अपने अनुभवों के आधार पर जो है वो सीखते रहते हैं। तो इस प्रकार हम इसको भी कह सकते हैं कि जो मूल्यांकन की अवधारणा भी है ये भी एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ऐसा नहीं है केवल कि शिक्षा की दृष्टि से ही इसका यूज़ होता है, अन्य अगर परिप्रेक्ष्य से देखें तो मूल्यांकन का उपयोग जो है वहाँ भी होता है। आगे बात करें, जो मूल्यांकन है वो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा को ज्ञात करके उसके संबंध में उचित या अनुचित का निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। यहाँ पर हमारा कहने का ये प्रयास कर रहा है कि जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं, मतलब
कोई भी बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो या कोई अन्य प्रॉस्पेक्ट से। जैसे कि अगर कक्षा 6 में पढ़ने वाला बच्चा है तो उसका एक उद्देश्य है कि उसे मेहनत करनी है, उसे नंबर लाने हैं और उसे कक्षा 7 में जाना है, तो एक इसका ये पूर्व निर्धारित उद्देश्य है। आगे कह रहा है कि जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा जो है उसको ज्ञात करके उसके संबंध में जो है वो उचित या अनुचित का निर्णय लेने में जो है वो मूल्यांकन सहायता करता है। मतलब जो अभी हमने आपसे एक उद्देश्य की बात की कि कक्षा 6 में पढ़ने वाला जो बच्चा है वो कक्षा 7 में जाने के लिए एक उद्देश्य निर्धारित करता है कि उसे इतने अंक लाने हैं, तो वो जब उन अंकों को प्राप्त कर लेता है उन अंकों के आधार पर ही जो है वो अपने आगामी जो उसका टाइम है उससे रिलेटेड वो जो है वो निर्णय लेता है। तो अगर अंकों की बात आ रही है तो हम कह सकते हैं मापन है, और उन्हीं अंकों के आधार पर हम कोई निर्णय लेते हैं या उन अंकों की व्याख्या करके हम किसी चीज़ को बताते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी मूल्यांकन में आती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं कुछ जो विद्वान हैं उनके द्वारा दी गई जो परिभाषा है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो क्विलिन व हन्ना नाम के विद्वान हैं उन्होंने एक परिभाषा दी है कि छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए जो परिवर्तन हैं, कोई भी छात्र होता है उसका एक व्यवहार पहले से बना होता है, और तो विद्यालय का कार्य क्या होता है, उस छात्र को शिक्षा प्रदान करके उसको जो पहले से व्यवहार है उसको थोड़ा सा और अच्छा करना या उसके जो व्यवहार है उसमें उन्नयन करना। तो व्यवहार में जो लाए गए परिवर्तन है उनके विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। मतलब कि जो भी उसने विभिन्न प्रकार की जो शैक्षिक गतिविधियां वहां पर की या उन शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर जो आपने या उस अध्यापक ने उस बच्चे की व्याख्या की कि ये बच्चा ऐसा है, या उसके क्लास में परफॉर्मेंस के आधार पर उसकी जो एक व्याख्या की, तो उन सबको जो है वो हम मूल्यांकन की दृष्टि में या कह सकते हैं मूल्यांकन की श्रेणी में रखते हैं। आई होप इनकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। एक और डेफिनेशन है M.N. डंडेकर की, वो भी देख लेते हैं। वो ये है कि मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप में की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि विद्यार्थी जो है वो किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा है। तो ये भी जो है एक डेफिनेशन आप चाहें तो याद कर सकते हैं। अब हम आगे देखें कि NCERT जो है इसने मूल्यांकन को स्पष्ट करते हुए एक सतत व व्यवस्थित जो प्रक्रिया है उसके बारे में 3 बिंदु दिए हैं, वो क्या क्या हैं। तो पहला हमारा बिंदु है कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति जो है वो किस सीमा तक हो रही है, पहला ये हमारा उद्देश्य होता है मूल्यांकन की दृष्टि से। और दूसरा हमारा है कि कक्षा में दिए गए अधिगम जो हैं वो अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। और तीसरा है हमारा कि शिक्षा के उद्देश्य जो हैं वो कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। NCERT ने जो 3 बिंदुओं के अंदर जो परिभाषित किया है मूल्यांकन को, उसके अंदर जो है ये 3 जो बिंदु हैं वो आते हैं। अब हम इसी के आधार पर जो है वो इनके अंगों को भी देखते हैं। तो यहाँ पर आप पहला देख रहे हैं उद्देश्य, दूसरा आप देख रहे हैं अधिगम अनुभव, और तीसरा आप देख रहे हैं कि उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं व्यवहार में परिवर्तन। तो ये जो 3 बिंदु हमने बताए इन्हीं के आधार पर जो है वो इनके अंग निर्धारित किए गए हैं। और इन 3 बिंदुओं को जो है हम समझते हैं कि आखिर ये क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से अंग हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के जो है वो टोटल 3 प्रमुख अंग होते हैं। पहला है हमारा शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है हमारा अधिगम क्रियाएं, और तीसरा है हमारा व्यवहार में परिवर्तन। अब तीनों को समझते हैं कि क्या क्या जो है यहाँ पर कहने की चीज कही जा रही है। तो सबसे पहले बात करने का शिक्षण उद्देश्य की, तो मूल्यांकन की यह नवीन संकल्पना जो है इस मूलभूत मान्यता पर आधारित है कि शिक्षा संस्था का कार्य जो है वो छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान करना है। कोई भी शिक्षा संस्था होती है, कोई भी विद्यालय होता है, कोई भी कॉलेज होता है, उसका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान करना। और आगे है कि सीखने के दौरान छात्रों के व्यवहार में जिन परिवर्तनों के लाने के हम इच्छुक होते हैं, कोई भी अगर शिक्षार्थी आपको कोई चीज़ सिखा रहा है तो उसका मेन जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन आए। मतलब अगर आपके घर वाले भी अगर आपको कोई चीज़ शिष्टाचार सिखा रहे हैं तो वो उनका उद्देश्य क्या है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन आए। अगर आप शिक्षित हो रहे हैं तो शिक्षा के कारण ही जो है आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो ये जो परिवर्तन है उन्हें शिक्षा के उद्देश्यों अथवा अनुदेशन उद्देश्यों के नाम से ही जाना जाता है। मतलब जिन परिवर्तनों
को लाने के हम इच्छुक होते हैं उन्हें ही जो है वो शिक्षण उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। बात करें अगर अगले अधिगम क्रियाओं की तो इसी से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि तथा इन शिक्षण उद्देश्यों की जो प्राप्ति है, मतलब जो भी हमने अभी शिक्षण उद्देश्य की बात की, इनकी प्राप्ति या इनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए जो है विद्यालय में विभिन्न अधिगम क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। अधिगम क्रियाएँ मतलब किस किस प्रकार से जो है हम सीख सकते हैं, तो उन क्रियाओं का जो आयोजन किया जाता है। तो ये हो गया हमारा अधिगम क्रियाएँ। अब बात करते हैं व्यवहार परिवर्तन की। तो ये अधिगम क्रियाएँ जो हैं वो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में जो है वो किस सीमा तक सफल रही हैं, यह जो है वो मूल्यांकन क्रिया का कार्य है। या कह सकते हैं कि जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसमें जो हमारा व्यवहार परिवर्तन होता है या जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है अधिगम क्रियाओं के फलस्वरूप, तो एक व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो हमारा हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन। तो इस प्रकार जो है वो मूल्यांकन प्रक्रिया के टोटल 3 अंग जो है वो होते हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। तो मूल्यांकन के ये तीनों जो अंग हैं वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित तथा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि हमने अभी तीनों ही लाइन में जो है आपको बताया, तो कहीं ना कहीं तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। और आगे बात करें तो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में अधिगम क्रियाएँ भी जो है वो आयोजित की जाती हैं, कि जो हमने अभी बात की कि कोई भी शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है, तो वो जो उद्देश्यों की प्राप्ति हमें हो रही है वो कहीं ना कहीं अधिगम क्रियाओं के फलस्वरूप ही हो रही है, और जिनसे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। तो देखिए, अब एक ये लाइन जो है वो इन तीनों ही अंग को जो है वो डिफाइन कर रही है। वो लाइन ये कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में जो अधिगम क्रियाएँ आयोजित की जाती हैं जिनसे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो इस लाइन से जो है आपको ये तीनों अंग जो है वो क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो तीनों ही आपस में जो है वो जुड़े हुए हैं। और आगे बात करें तो छात्रों के व्यवहार में आए हुए जो ये परिवर्तन होते हैं उसकी तुलना जो है वांछित परिवर्तनों यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों से करके जो है वो मूल्यांकन जो है वो कंप्लीट किया जाता है, या कह सकते हैं जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो की जाती है। और इन्हीं मूल्यांकन प्रक्रिया के जो तीनों अंग हैं उसको एक त्रिभुज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जिस प्रकार जो हमने सेकंड सेमेस्टर में जॉन डीवी के द्वारा दी गई जो त्रिमुखी प्रक्रिया थी, शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को जो है वो त्रिमुखी के नाम से जाना जाता था, उसी प्रकार जो है ये जो मूल्यांकन के तीन अंग हैं उसको भी एक त्रिभुज के रूप में जो है वो प्रस्तुत किया जा सकता है। वो ये है कि पहला शिक्षण उद्देश्य, उसी से जुड़ा अधिगम क्रियाएँ और वही व्यवहार परिवर्तन। तो इस हिसाब से जो है हम मूल्यांकन को जो है समझ सकते हैं। आगे कुछ और बिंदुओं की भी बात कर लेते हैं। वो ये कि मूल्यांकन की ये जो संकल्पना है हमने जो अभी त्रिमुखी जानी, ये केवल एक पाठ्य वस्तु के ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, मतलब हमारे एक छोटे से जो सिलेबस है केवल उसी तक सीमित नहीं है, वरन जो विद्यालय है उसके पाठ्यक्रम से संबंधित जो समस्त उद्देश्य हैं उसकी एक विशाल तथा व्यापक श्रृंखला का भी जो है ये एक मूल्यांकन करते हैं। और ये जो संकल्पना है वो पारस्परिक परीक्षा प्रणाली के द्वारा प्राप्त जो प्राप्तांक हैं उसके ऊपर ही आधारित नहीं होता, मतलब जैसा हमने आपको बताया था कि जो मापन होता है उसमें हम अंक प्रदान करते हैं और मूल्यांकन में उन जो प्राप्त किए गए अंक हैं उनको व्याख्या करते हैं और उस व्याख्या को ही हम मूल्यांकन कहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि केवल वही जो है केवल मूल्यांकन नहीं होता, बल्कि अनेक प्रकार की जो मापन प्रविधियां हैं, विधियां हैं तथा यंत्रों का भी जो प्रयोग होता है वो भी जो है वो मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है। और मूल्यांकन की जो ये संकल्पना है वो छात्रों की केवल शैक्षिक उपलब्धि से ही संबंधित नहीं होता, ऐसा नहीं है कि केवल ये जो मूल्यांकन होता है वो केवल और केवल शिक्षा की दृष्टि से ही होता है, वरन बहुत से क्षेत्र होते हैं जिसमें जो है ये मूल्यांकन जो प्रक्रिया है उसका यूज होता है। वही लिखा है कि वरन उनके संपूर्ण जो व्यक्तित्व है उसके विकास से भी कहीं ना कहीं वो संबंधित होता है। और लास्ट लाइन हमारी कि अतः मूल्यांकन की यह जो संकल्पना है वो अत्यंत व्यापक यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव और बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल जो है वो होती है। तो आई होप जो है आपको मापन के साथ साथ जो मूल्यांकन है वो क्लियर हो गया होगा। इन दोनों को समझना इसलिए ज़रूरी है, कहीं ना कहीं आगे के जो चैप्टर हैं वो इन्हीं सभी चीज़ों पर आधारित हैं, जैसे कि मापन के उद्देश्य, मूल्यांकन के उद्देश्य की आवश्यकता क्यों है, मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए जो है आपको मापन और मूल्यांकन जो है वो क्लियर समझ में आना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन कीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।